कोतवाली पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों की राशि हड़पने वाले एक बड़े नेटवर्क के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा ग्रुप है, अभी केवल कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस नेटवर्क से कई लोग जुड़े हुए हैं। प्रथम दृष्टया जांच में यही पता चला है कि नेटवर्क इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को अच्छी कमाई का झांसा देकर ट्रेडिंग के रुपए इन्वेस्ट कराता था। 19 फरवरी 2024 को गुरुद्वारा वार्ड निवासी आवेदक गुरमीत सिंह छाबड़ा द्वारा कोतवाली थाना अंबिकापुर में यह FIR दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने इंस्टाग्राम से 15 दिसंबर 2023 को गोल्डन इक्विटी असेसमेंट ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। यह एक फर्जी GSIM नाम का ट्रेडिंग ऐप था। इस फर्जी ऐप के द्वारा विभिन्न खातों में 7,35,000 रुपए ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट किया गया था, जिसके बारे में जानकारी दी गई थी कि ट्रेडिंग में अच्छा इजाफा होगा, किंतु राशि लगाने के बाद काफी समय तक कोई इजाफा नहीं होने पर जब राशि निकालना चाहा तो वह राशि नहीं निकल रही थी। तब आवेदक ठगी का शिकार होने का अंदेशा हुआ। तब थाना कोतवाली में मामला रजिस्टर कराया गया था, जहां जांच के दौरान खाता नंबर के माध्यम से पुलिस आरोपियों तक पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 19 फरवरी 2024 को गुरबेज सिंह छाबड़ा, जो कि गुरुद्वारा वार्ड अंबिकापुर के निवासी हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने इंस्टाग्राम से एक ट्रेडिंग ग्रुप गोल्डन इक्वालिटी एसेट मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसमें कि ज्वाइन करने के बाद में उनसे जो फर्जी ये एक तरह का ऐप था, जिसमें कि वहाँ पर उनके द्वारा एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप उनके मोबाइल में GSIM ट्रेडिंग फर्जी ऐप नाम है, उनको डाउनलोड कराया गया। और डाउनलोड कराने के बाद में वहाँ पर अलग अलग जो थे वो कस्टमर सर्विस के नंबर थे, और कस्टमर सर्विस के नंबर के बाद में जब कस्टमर सर्विस ने उनको कॉल किया और उनसे लगातार वो बातचीत करते रहे, तब जो उस फर्जी ऐप में जो फर्जी नंबर थे, फर्जी अकाउंट नंबर थे, उस फर्जी अकाउंट नंबर में इन्होंने अलग अलग टाइम से अलग अलग खातों में करीबन 7,35,000 रुपये की राशि जमा की थी, और 7,35,000 रुपये की राशि जो थी वो लगातार बढ़ती जाएगी ऐसा कह के सर्विस कस्टमर सर्विस के द्वारा उनके द्वारा प्रलोभन दिया गया था। लेकिन वो राशि जो थी वो बढ़ नहीं रही थी। तत्पश्चात इन्होंने पैसा निकालने का कोशिश की, और पैसा जब निकालने की कोशिश के दौरान जब इनका पैसा नहीं निकला, तब इनको यह पता चला कि मैं जो हूँ वो ठगी का शिकार हो चुका हूँ। तत्पश्चात इन्होंने आकर के थाना कोतवाली में मामला रजिस्टर करवाया, जिसमें कि 420, 34 और 66 DIT एक्ट का मामला थाना कोतवाली में रजिस्टर किया गया। मामले की पतासाजी चालू की गई, और मामले की पतासाजी दौरान जो खाता नंबर जिसमें इन्होंने पैसा डाला था, उनकी पतासाजी भी विभिन्न बैंकों के माध्यम से उनकी पहचान कार्रवाई चालू हुई, और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना हुई है, जिसमें कि 3 आरोपी को पकड़ के लाई है। और ये जो 3 आरोपी के द्वारा कबूला गया है कि उन्होंने जो खाता नंबर में जब कॉल जाता था तो OTP मांगा जाता था, तो OTP को मैनेज करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। इस पूरे जो फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप है, इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर हैं। कोई खाता धारक हैं जो फर्जी खाता का संचालन करते थे, जो OTP मैनेज करते थे, जिस खाते में पैसा जाता था वहाँ से तुरंत ही पैसा जो था वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता था। और ये सारा जो एजेंसी है, इसमें से एक जो ग्रुप था जो OTP वाला काम करता था, सरगुजा पुलिस की अथक मेहनत से 3 आरोपी इसमें पकड़ा है, जिन्हें की गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा जा रहा है। कितना बड़ा गीत हो जाता है इस मामले की विवेचना के दौरान, ये जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा है। ये ठगी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में करते रहे हैं, और मामले की पतासाजी के दौरान जो है इसके अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।